Yes, taking all of you. 11th students, our chapter number 8. According to this chapter, today we study about ER. ER means endoplasmic reticulum. Endoplasmic reticulum is one important cell organelles. Endoplasmic reticulum, the organ which provide the surface of ribosomes. ये ribosomes को surface provide करते हैं for the attachment, जुड़ने के लिए. And you know, ribosome synthesis the protein. Ribosome synthesize the protein. And so, ribosome attach on the ER, endoplasmic reticulum. Okay? So, work of the ribosome done very well. अच्छे से हो सकता है काम प्रोटीन सर्वे. तो राइबोसोम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वह स्ट्रक्चर है जिसके ऊपर राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं और राइबोसोम प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं. ठीक है, अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी कर लें. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्टडी बाय पोर्टर एंड काल्मेन. पोर्टर एंड काल्मेन ने क्या किया था, 1945 में इसकी स्टडी की थी. ठीक है, 1945. ठीक, अब ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये सेल के जो साइटोप्लाज्म में एंडोप्लाज्म के अंदर दिखाई देते हैं. ठीक है, जो सेल का साइटोप्लाज्म होता है जो एंडोप्लाज्म में जो कि न्यूक्लियस के पास में पाया जाता है, एंडोप्लाज्म में दिखाई देने वाली स्ट्रक्चर की वजह से इसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, क्योंकि ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक रेटिकुलम की जैसी या एक नेट की जैसी स्ट्रक्चर बनाते हैं सेल के अंदर, इसलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहलाते हैं. ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्ट्रीब्यूशन, जनरली जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं सभी सेल्स में, एनिमल सेल्स में जो है पाए जाते हैं, और इसके अलावा क्या होता है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये जनरली एरिथ्रोसाइट्स जो आरबीसीस होते हैं, आरबीसीस में नहीं पाए जाते. ठीक है, आरबीसीस में ये नहीं पाए जाते, लीवर सेल्स में जो है. इसके अलावा जो होते हैं जनरली आरबीसीस में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एब्सेंट होते हैं. इसके अलावा मेमल न्यूक्लियस, मेमल ओवम में भी या मेमल एग्स के अंदर ये जो है एब्सेंट होंगे. ठीक है, इसके अलावा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की हम देखेंगे ओरिजिन, तो डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि ये ऑल सेल्स में पाए जाते हैं लेकिन ह्यूमन एग के अंदर और आरबीसीस के अंदर नहीं पाए जाएंगे. ओरिजिन और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ओरिजिनेट बाय द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, आउट ग्रोथ ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन. जो न्यूक्लियस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउट ग्रोथ होती है उसके डिप्लेशन से क्या होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनते हैं, इसके टूटने से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं बनते हैं. तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब आउट ग्रोथ कर लेती है तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो है ओरिजिन होती है. फिर टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली ये इन्हें टू टाइप्स का डिवाइड किया गया है. फर्स्ट है स्मूथ सरफेस और दूसरा, तो स्मूथ सरफेस SER स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और दूसरा आ जाएगा रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. तो SER और RER, ठीक है, दो भागों में से डिवाइड किया गया है. अब हम देखेंगे स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस होती है या सतह होती है ये क्या होती है, स्मूथ होती है. ठीक है, इनके ऊपर किसी प्रकार की कोई स्ट्रक्चर जुड़ी हुई नहीं रहती. स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है कुछ मटेरियल्स स्टोर करने का काम करते हैं, जैसे ग्लाइकोजन स्टोर करते हैं. ठीक है, इसके अंदर प्रोटीन जो है स्टोर होता है. ठीक है, इसके अलावा ये जो ग्लाइकोजन और प्रोटीन को स्टोर करके रखने का काम करेंगे. ठीक, इसको जो स्मूथ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं, ठीक है, ये जनरली जो है इंटेस्टाइनल सेल, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल, ठीक है, ल्यूकोसाइट सेल, ल्यूकोसाइट से लेके WBCs, ठीक है, इसके अलावा स्पर्मेटोसाइट सेल्स में ये पाए जाते हैं. अब हम देखेंगे रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, द सरफेस ऑफ दिस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ बिकॉज राइबोसोम्स अटैच टू देयर सरफेस.
एंड रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो सरफेस है उनपे राइबोसोम जुड़े हुए रहते हैं, इसलिए इनकी सतह काफी रफ दिखाई देती है। ठीक है, पूरी सतह पर राइबोसोम जुड़े हुए थे। रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो जनरली जो है इस प्रकार के होंगे। ये जनरली सभी सेल्स में जैसे पेनक्रियाटिक सेल, प्लाज्मा सेल्स, गॉम्ब्लेट सेल्स, लिवर सेल्स में ये दिखाई देते हैं। ठीक, जनरली इनको हमने इनके जो टाइप्स हैं रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वो तीन भाग तीन टाइप्स होते हैं। फर्स्ट है वेसिकल टाइप, दूसरी सिस्टर्निक टाइप और थर्ड है ट्यूबुलर टाइप। ठीक है, तो थ्री टाइप्स इसके होंगे। सिस्टर्निक टाइप जो होंगे वो 40 से 50 न्यू जो है डायमीटर के रहते हैं। ठीक है, इस प्रकार से सिस्टर्निक टाइप पे ये क्या होंगे, ये पैरेलल टाइप जो है ये पैरेललली जुड़ी हुई जो स्ट्रक्चर है एक साथ इस प्रकार की लंबी स्ट्रक्चर होती है जो 40 से 50 न्यू डायमीटर की होती है। फिर नेक्स्ट है वेसिकल टाइप। वेसिकल टाइप जो होते हैं ये ब्रांच के होते हैं इस प्रकार से। ठीक है, और 25 500 न्यू के डायमीटर के होंगे। और नेक्स्ट ट्यूबुलर, ट्यूबुलर जो होते हैं ट्यूब्स के जैसे दिखते हैं। ठीक है, ट्यूबुलर में ये जो होते हैं क्या होते हैं 50 to 100 न्यू एम डायमीटर के पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसकी अल्ट्रास्ट्रक्चर, अल्ट्रास्ट्रक्चर यदि देखा जाए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो सभी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं ये डबल सरफेस या डबल मेम्ब्रेन के बने हुए पाए जाते हैं। ठीक, तो इस प्रकार से क्या होते हैं डबल मेम्ब्रेन वाली स्ट्रक्चर होती है दोनों। तो ये अल्ट्रास्ट्रक्चर में जो हर एक मेम्ब्रेन होती है ये क्या होती है 50 से 60 डिग्री एंगस्ट्रॉम की मोटी या थिकनेस होती है। ठीक, दोनों जो मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन के बीच में जो खाली स्पेस होता है इस प्रकार से ये जो ब्लैंक स्पेस है स्पेस जो होता है 25 to 100 न्यू का क्या होता है स्पेस अंदर रहता है। अब हम देखेंगे जनरल 75 to 100 न्यू। फिर अब इसके फंक्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन ऑफ द रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल के अंदर एक प्रकार का रेटिकुलम या जाल बनाते हैं और सेल की क्या बना सेल को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं, सेल को एक शेप या फ्रेमवर्क प्रोवाइड करते हैं जिससे कि सेल की एक स्ट्रक्चर या शेप दिखाई देती है। ठीक, नेक्स्ट रफ सरफेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम्स को जुड़ने के लिए स्थान प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये जो जिससे कि राइबोसोम अच्छे से प्रोटीन सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक, नेक्स्ट इट हेल्प इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट। ये सेल के अंदर इंटर सेलुलर ट्रांसपोर्ट मतलब कि मटेरियल्स को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं। फिर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू क्या हैं बनते हैं। ठीक, और जब क्या होता है सेल डिवीजन होता है तो सेल डिवीजन के समय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को बनाने का काम करते हैं। स्टोर द प्रोटीन, ये स्टोर प्रोटीन को स्टोर करने का वर्क करते हैं। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके अलावा ये प्रोवाइड सरफेस और वेरियस एंजाइमेट एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए सरफेस प्रोवाइड करेंगे। फिर इट हेल्प्स द स्टोर ऑफ द ग्लाइकोजन सिंथेसिस। ग्लाइकोजन सिंथेसिस को मेन रोल प्ले करेंगे। ठीक है, ग्लाइकोजन बनने में लीवर सेल्स हेल्प ग्लाइकोजेनेसिस। इसकी लीवर सेल में जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ग्लाइकोजेनेसिस में हेल्प करते हैं। ओके, तो इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गन से जिसको आपको करना है कंप्लीट करना है इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। जय हिंद।